आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज दोपहर 12 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आज के इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। आज कई बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले ऑल इंडिया परिवार से जुड़े सभी भाई बहनों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अगर आप में से भी कोई भी भाई बहन अपने चैनल का अभी तक प्रमोशन करवाते थे तो काफी भारी भरकम उनको फीस भी देनी पड़ती थी। अब उस फीस में ऑल इंडिया ने बहुत ही ज्यादा छूट दे दी है, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं एक बड़ी राहत दे दी है। मैंने पोस्ट भी हर जगह कर दिया है ताकि हर किसी भाई बहन को ये जानकारी पता चल जाए। चैनल प्रमोशन की जो फीस है और उसको कम कर दिया गया है, अब मात्र 500 रुपया कर दी गई है ताकि हर कोई भाई बहन आगे बढ़ सके। अधिक फीस पहले होने की वजह से अक्सर लोग करवाने में प्रमोशन असमर्थ हो जाते थे। आज से अब जो भी चैनल पर ऑल इंडिया पर प्रमोशन होंगे वो मात्र 500 रुपए में किए जाएंगे। आशा है कि इस फैसले से सभी को एक नई उम्मीद मिलेगी। देखो, बहुत से भाई बहन को हो सकता है ये पता ना हो कि चैनल प्रमोशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये एक तरह का आप एडवर्टाइज आप कह लें यानी प्रचार कह लें। लोग जैसे अपने अपने ब्रांड जो है इधर उधर आप देखते हैं टीवी पर बीच में प्रचार आते हैं, तो हर कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड या किसी भी चीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ये जरिया होता है प्रमोशन का, शॉर्टकट में ज्यादातर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो यहां पर जो बहुत से लोग हैं भाई बहन जिन्होंने अपने चैनल बनाए हैं यूट्यूब पर नए नए, तो उससे लोग जुड़ते नहीं है जल्दी, तो उस चीज से लोग जुड़े, लोगों तक उनका चैनल जाए, इस चीज को लेकर के चैनल प्रमोशन इसको बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट आप इसको कह सकते हैं। तो यहां पर अब इसी में एक बड़ी खुशखबरी दी है हमने कि चैनल के प्रमोशन में भारी भरकम छूट है मात्र 500 रुपए में, जबकि यही प्रमोशन के लिए 2-2 हजार रुपए भी लोगों ने दिए हैं। लेकिन अब से चाहे वो लोग हों या कोई भी आएगा नया या पुराना, हर किसी को मात्र 500 रुपए में ही चैनल प्रमोशन उसका किया जाएगा। बहुत सी बहनों को हो सकता है चैनल बनाना ही नहीं आता हो, तो वो अगर बनवाना भी चाहें तो वो हमसे बनवा भी सकती हैं, वो भी मात्र 500 में। पहले इस बनाने के लिए भी काफी पैसे खर्च करने पड़ते थे, अब उसमें भी बहुत सी छूट दे दी है, तो चैनल प्रमोशन का भी 500, बनवाने का 500। ये पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, ये पैसा अगर आप देखेंगे अन्य लोगों को या अलग देखेंगे, तमाम बड़े बड़े चैनल बहुत सारी बड़ी बड़ी जो है भारी भरकम फीस लेते हैं। तो बहुत से भाई बहन हैं जो उम्मीद लगाए हैं कि उनका भी यूट्यूब पर चैनल हो, तो चैनल बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं मात्र 500 में। चैनल बन गया है, प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो प्रमोशन ऑल इंडिया से करवा सकते हैं मात्र 500 में। अगर किसी का बना है उसी चैनल को वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और उनका अच्छा चैनल नहीं बना है, यानी जो सेटिंग है चैनल की वो ठीक नहीं है, उनको नहीं पता कैसी भरी है, तो वो सब चीजें भी सही करवा सकते हैं। लोगो, बैनर, सारी चीजें, कीवर्ड, टैग, डिस्क्रिप्शन सब कुछ भरवा सकते हैं। साथ ही मोनेटाइजेशन के लिए काफी लोगों का चैनल जब बनाते हैं तो उसमें रिव्यू के लिए अप्लाई वाला सिस्टम नहीं करते हैं, जिस वजह से मान लो सब्सक्राइबर और वॉच टाइम पूरा हो जाता है तो मेल नहीं आता, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप करवाना चाहें तो ऑल इंडिया से करवा सकते हैं, वो भी इतने कम पैसों में। ये एक बड़ी उम्मीद होगी उन भाई बहनों के लिए जो YouTube पर काफी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि वो सब भाई बहन अब जो है उनके लिए एक बड़ी राहत है, अब उनको एक उम्मीद जग जाएगी। 500 रुपए की धनराशि कोई बहुत भारी भरकम नहीं है ऐसे बिजनेस वाले इन मामलों में, क्योंकि चैनल केवल चैनल ही नहीं है, चैनल के जरिए से आजकल सबको पता है, जो भाई बहन जागरूक है थोड़ा जानते हैं कि YouTube चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है जहां से लोग अपने इनकम का भी जरिया इसको मानते हैं, यानी चार पैसे भी जो है यहां से वो कमा सकते हैं। इसीलिए यहां पर लोग जो है YouTube की तरफ ज्यादा दौड़ रहे हैं। इसीलिए अगर हर कोई सोच रहा है, बहनें हमारी सोच रही हैं आगे इसमें बढ़ना, तो कोई बुराई नहीं है, आप भी आगे बहनों बढ़ सकती हैं, चार पैसे आप भी इससे कमा सकती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर कोई जो है चार पैसे कमा रहा है और कमाने के लिए ही जो है हर कोई हर जगह अपना समय दे रहा है, तो आप भी मेहनत कर रही हैं या करना चाहती हैं तो बनवा सकती हैं, बना है तो प्रमोशन करवा सकती हैं। इस तरह से चीजें आपके सामने आ चुकी हैं बहुत ही कम पैसों में। बात करें हम अपनी जानकारियों की,
क्योंकि जानकारी देना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी, इसीलिए मैंने आज इस वीडियो में इतना टाइम 4-5 मिनट का आप सबका लिया है। हो सकता है काफी लोगों को इससे दिक्कत हुई हो और काफी लोगों को खुशी भी मिली होगी कि इतने कम पैसों में अब ये चीजें हो जाएंगी, एक अच्छी बात है। जिनको आगे अपना फ्यूचर यूट्यूब पर भी थोड़ा बहुत देखना है उनके लिए, या 4 पैसे कमाने का एक जरिया वो यूट्यूब पर ढूंढ रही है उनके लिए भी। तो बाकी डेली हम इन चीजों को हर वीडियो में थोड़ी आपका टाइम लेंगे, आज इस वीडियो में 4-5 मिनट लिए हैं, जिसका अगर किसी को दुख है तो मुझे भी उस बात को लेकर खेद है, बताना भी जरूरी था ताकि हर किसी को पता चल जाए। और अगर कोई बेचारा कम पैसों की वजह से बैठा है, भारी भरकम पैसों की वजह से नहीं करवा पा रहे थे, तो वो मात्र 500 में आप करवा सकते हैं। साथ ही बात करें 21 अगस्त की, तो 21 अगस्त को एक लेटर कल जारी हुआ है। चिकित्सा अधीक्षक हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुनेहटी, जो कि खड़खड़ी जो क्षेत्र पड़ता है, ब्लॉक है बलियाखेड़ी, सहारनपुर जिला है, जहां से एक लेटर टाइप हुआ है। सेवा में बाल विकास परियोजना अधिकारी जो बलियाखेड़ी के हैं उनको भेजा गया, यानी चिकित्सा अधीक्षक ने लेटर भेजा है CDPO बलियाखेड़ी को। और ऑल इंडिया पर प्रसारण के लिए नरेंद्र दत्त शर्मा भाई हैं, शाहजहांपुर से आते हैं, भाई ने भेजा है प्रसारण के लिए। आइए देखते हैं। बताया गया आपको सादर अवगत कराना है कि ग्राम ककराला में डिप्थीरिया का केस निकला था, जिस कारण उपकेंद्र छपरेड़ी के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों में हाउस टू हाउस का सर्वे किया जाना है। अतः महोदय आप ग्राम छिदबना छपरेड़ी और कंबो माजरा में अपने अधीनस्थ समस्त आंगनबाड़ी को डिप्थीरिया केस का सर्वे कराने के लिए आदेशित करने की कृपा करें। सूचनार्थ हेतु आपकी सेवा में सादर प्रेषित है। तो ये एक यहाँ पर लेटर आया है जो कि आप सब देख रहे हैं, डिप्थीरिया का वहाँ पर एक केस निकला था, इसीलिए हाउस टू हाउस सर्वे कराया जाएगा। इसमें लिखा भी है जिला संरक्षक आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा जनपद सहारनपुर, लिखा गया चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुनहरी खड़खड़ी सहारनपुर द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी बलियाखेड़ी को 3 गांव में डिप्थीरिया का सर्वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से कराने के लिए जो पत्र लिखा है उसमें उक्त गांव छपरेड़ी और छिदबना और कंबोह माजरा, इनमें सर्वे स्वास्थ्य विभाग अपनी आशा कार्यकर्ता से कराए। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा जनपद सहारनपुर ने दिनांक यहां पर ये सब दी गई हैं, जो है चीजें इसमें माननीय जिलाधिकारी को महोदय को स्पष्ट रूप से ज्ञापन देकर के कहा है कि जब तक स्वास्थ्य विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का 6 साल का AAA और अन्य कराए गए कार्यों का जिसका विभाग आशा कार्यकर्ताओं को जो है पैसा दिया है, आंगनबाड़ी को भी वह पैसा नहीं देता, तब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कार्य नहीं करेंगी। तो यहां पर यह सही बात है। अब उसी काम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अपने कर्मचारियों को पैसे बांट रहा और वहीं उसी काम में लगी उन्हीं के साथ आंगनबाड़ी बहनों को फूटी चवन्नी नहीं दे रहा, जबकि तमाम जनपदों में AAA का पैसा आंगनबाड़ी बहनों को मिला है। 75 रुपये के हिसाब से ये पैसे मिलते हैं, 900 रुपया अधिकतम जो है पैसा कई कई बहनों के अकाउंट में इसके कुछ महीनों पहले हाल फिलहाल में पहुंचाए भी गए हैं। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। तो और ऊपर से अब आप देख रहे हैं कि यहां पर एक और डिप्थीरिया सर्वे करने के लिए भी आंगनबाड़ी को बोल दिया गया, जबकि ये कार्य आशा से कराए जाने जो है उचित थे। अब ऐसे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट में आप सब बता सकते हैं। अर्चना देवी बहन गोरखपुर से आती हैं, उन्होंने अपने वहां से ये अपना आयुष्मान वाला जो कार्ड बनता है वो बनकर के एक भेजा और साथ ही लिखा, भैया जी नमस्कार, मेरा नाम अर्चना देवी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ, जिला गोरखपुर गोला ब्लॉक से हूँ। आयुष्मान भारत कार्ड का जो है यहाँ पर पीछे लिखा है कि इस कार्ड से आपके फैमिली का इस कार्ड का क्या जो है कार्ड लाभ मिलेगा, कहना क्या चाहती हैं हम समझ ही नहीं पाए, आपने एक पूरे वाक्य को पूरा किया नहीं है। जैसे लिखा है कि किस इस कार्ड से आपके और फिर लिख दिया आपके फैमिली का इस कार्ड का क्या कार्ड लाभ मिलेगा, यानी कहना चाहती होंगी क्या इस कार्ड से फैमिली को लाभ मिलेगा। तो भाई हो सकता है कि जो है इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि सबके कार्ड पर्सनली अलग अलग बने हैं। ऐसे कार्ड ये नहीं है कि एक कार्ड से पूरे परिवार को इलाज मिल जाए, ठीक। तो ये चीजें हैं, और वैसे भी लेटर आए थे तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी लिखे गए हैं, उनके परिवार में इलाज के लिए नहीं लिखे गए हैं। तो जहां तक मेरा मानना है कि वो केवल आपके ही काम आ सकते हैं। बिंदश्री बहन है,
औरैया जनपद से आती हैं, जिन्होंने एक संदेश भेजा है। फोटो में जो आप ये बेटी का तस्वीर देख रहे हैं, ये बेटी दरअसल लापता हो गई हैं और ये हाल ही की अभी अभी घटना है। मैं चाहूँगा आप सब भाई बहन थोड़ा इस ओर ध्यान दें। बहन ने लिखा है, भैया जी नमस्ते, ये बिटिया कल जो है टैबलेट लेने गई स्कूल में, अनुराधा कॉलेज जो है कानपुर औरैया से, तब से यहाँ से गायब है और कहीं भी या लड़की दिखाई जो है दे तो कृपया करके मुझे ज़रूर बताएं, इसी नंबर पर बताएं। ये नंबर भी बहन ने अपने भेज दिए हैं। तो आप देखिएगा, मैंने इनसे पूछा भी कि आपने थाने में गुमसुदी की सूचना दी, क्योंकि 24 घंटे के अंदर सूचना देना भी थाने में ज़रूरी होता है अगर कोई लापता है तो। तो बहन ने कहा जी सूचना दे दी है, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप सबको भी कहीं अगर दिखती हो सकता है वहाँ गई हो और ट्रेन व्रेन से बैठी हो, इधर उधर जो है कहीं और चली गई हो, ऐसा भी संभवता हो सकता है, या जो है बस पर बैठ गई हो, आंख लग गई हो, कहीं और पहुंच गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर कहीं भी हैं, अगर किसी को दिखती हैं तो कृपया इनके परिवार को बता दें। काफ़ी इनके जो है बहन, इनके घर वाले यानी परेशान हैं। बिंदश्री बहन औरैया जनपद से हैं, जिन्होंने प्रसारण के लिए इन जो है इनका जानकारी भेजा है। आगे ले चलते हैं, बेला भारती बहन है, जौनपुर से आती हैं। इनका कहना था कि भैया जी गुड मॉर्निंग, 21 तारीख को कल 1000 रुपया बीएलओ का पैसा आया है, अब काम शुरू होने वाले हैं तो 1000 रुपया दे दिए हैं, इसके पहले जो है पैसा देना जो है नहीं जो है, ये उन्होंने लिखा, यानी पहले देना जरूरी नहीं समझे, ये बहन ने लिख करके भेजा है। बाकी अभी इसी में पोलियो वगैरह और स्कूल का भी काम और बीएलओ का भी काम सब, यानी अब काम पर काम आ गए हैं। तो ये इस तरह से आप देखिए, और मानदेय का अभी भी कोई अता पता नहीं है। सुशीला देवी बहन मुरादाबाद से हैं, उन्होंने लिखा कि जो है मुरादाबाद के जो है मूढ़ा पांडे ब्लॉक से हैं, मेरे खाते में ना ही PLI आई और ना ही मानदेय आया। तो बहन आपकी तरह और भी भाई बहन हैं जिनका भी अभी, यानी बहने हैं जिनका रुका है, तो अभी आप भी थोड़ा सब्र रखें, जैसे ही कोई जानकारी सूचना आएगी तो हम प्रसारण में शामिल करेंगे। रीता बहन प्रयागराज से, इनके वहां पर भी सेम समस्या, 4500 रुपया तो इनका आ गया लेकिन 1500 रुपये इनका फेल्ड हो गया था, तो इनका चलो 4500 आया, बहुत सी बहनों का 4500 भी नहीं आया। इधर आंगनबाड़ी केंद्र हुआ जर्जर, कैसे पढ़ेंगे नौनिहाल बच्चे, दैनिक बुद्ध का संदेश, शास्त्री तिवारी जी होंगे जिनका एक ये आर्टिकल है प्रयागपुर बहराइच से, जहां पर बताया गया उत्तर प्रदेश सरकार नौनिहाल बच्चों की पढ़ाई के लिए नए नए आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना प्रदेश के हर जिले के, हर ब्लॉक के, हर ग्राम पंचायत में कर रही है, ताकि नौनिहाल बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। विकास खंड प्रयागपुर के अंतर्गत ग्राम हसुआ पारा में जूनियर हाई स्कूल के परिसर में 2 आंगनबाड़ी केंद्र 2 दशक पहले बनाए गए थे, जिसमें से आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम की बिल्डिंग बेहद जीर्ण शीर्ण और जर्जर अवस्था में पहुंच गई है, तथा बिना किसी देखरेख के अभाव में इस बिल्डिंग की छत के सरिया दिखाई पड़ने लगे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र तृतीय की बिल्डिंग भी जर्जर अवस्था में है और देखरेख के अभाव में भवन से आए दिन प्लास्टर छूट रहे हैं, जिससे नौनिहाल बच्चे अब पढ़ने के लिए कहाँ जाएं। आज जब दैनिक बुद्ध का संदेश संवाददाता ने जूनियर हाई स्कूल हसुआपारा के परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में जायजा लिया, तो वहां यह दिखाई पड़ा कि जो आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम बना हुआ है वह बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। छत में लगी लोहे की सरिया दिखाई पड़ रही है। आंगनबाड़ी केंद्र में बने कमरे भी बेहद गंदगी से भरपूर हैं। केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर अवधेश कुमारी कार्यरत हैं, सहायिका के पद पर योग माया कार्यरत हैं। तत्पश्चात आंगनबाड़ी केंद्र तृतीया को जब देखा गया तो उसकी भी हालत संतोषजनक नहीं लगी। दरवाजे में ताला तो लगा हुआ था लेकिन लोहे के दरवाजे का एक हिस्सा नीचे का टूटा हुआ पाया गया, और भवन बनाते समय जो भी दीवारों पर प्लास्टर किया गया था वह भी सब जो है धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, और गंदगी का आलम बरकरार बना हुआ है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। अब ऐसे में कैसे नौनिहाल बच्चे इस आंगनबाड़ी केंद्र में जो क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे। तृतीय और प्रथम में पढ़ने वाले बच्चों को उच्च प्राथमिक विद्यालय स्कूल हसुआपारा के कक्षा में शिफ्ट कर दिया गया ताकि नौनिहाल बच्चों की पढ़ाई ना रुके। जब इस बारे में CDPO प्रयागपुर अनिल कुमार पांडे से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम को डिमोलिश करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जल्दी इसको डिमोलिश करवा दिया जाएगा और इस केंद्र के लिए कहीं जमीन चिन्हित की जा रही है, वहां पर जो नया भवन बनकर के फिर तैयार होगा।
और जो ही बताया गया त्यों ही नए भवन में नौनिहाल बच्चों को शिफ्ट कर देंगे, यानी जैसे बिल्डिंग बनेगी। तो अभी तो इसको गिराना भी बाकी है, उसके बाद भूमि का चयन बाकी है, फिर बजट आएगा, फिर देखो कब तक वो बन पाता है, फिर कहीं हैंड ओवर होगा। और बताया तो ऐसे जा रहा है ज्यों ही ये होगा और त्यों ही वो हो जाएगा। खैर देखते हैं भाई कब क्या हो जाएगा। आगे ले चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो को आपने देखा आपको कैसा लगा, कमेंट में बताएं। क्या आप में से भी कोई भी भाई बहन अपने यूट्यूब चैनल अपना बनवाना चाहती हैं, या बना है तो उसको ठीक करवाना चाहती हैं, या उसका चैनल पर ऑल इंडिया के जो है वीडियो में प्रमोशन करवाना चाहती हैं, ताकि और भी भाई बहन आपके चैनल से जुड़ पाएँ, और भी भाई बहनों को नए नए बहनों के बारे में भी पता चले और उनसे भी जुड़ पाएँ, और इस तरह से जो है एक अच्छा रहेगा हमारी बहनों को जो आंगनबाड़ी वर्कर है, इस नौकरी में तो ज़्यादा वो कमा नहीं पाती, तो हो सकता है नए नए चैनल क्रिएट करें, कुछ आगे बढ़ें और कुछ अन्य लोगों में उनकी पहचान हो, तो कुछ चार पैसे वो यहाँ से भी कमा पाएँ, तो ये उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। और ये कोई इसमें बुरी बात नहीं है, चार पैसे कमाने के लिए इंसान रात दिन मेहनत करता है, एक करता है गाँव छोड़ करके शहर जाता है और अपने परिवार से दूर रहता है, बच्चे अपने माँ बाप से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं कि आगे नौकरी मिल जाएगी, चार पैसे ही तो कमाएंगे, इसीलिए तो इतनी मेहनत की जाती है। तो इसीलिए आजकल सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा जरिया है, यानी प्लेटफॉर्म है चार पैसे कमाने का, तो कोई बुराई नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपको नहीं पता, तब भी आप इसको लेकर के अपना मन बना सकते हैं, ऑल इंडिया इन कामों में आपकी मदद करेगा। और इस तरह से भारी भरकम जो छूट दी गई है, उससे अब आप लोगों में और एक उम्मीद जगेगी। धन्यवाद दोस्तों।